अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ वेज गोल्ड फिंगर की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स है ये, एक पत्ता गोभी मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, आधा लिया था उसमें से, और कैरेट्स लिए थे, जो ऑरेंज कलर के कैरेट्स आते हैं जो भाजी में यूज़ करते हैं वो, और शिमला मिर्ची लिया था दो। अब मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लिया है, एक बाउल में ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच मैदे का आटा एक बड़ा चम्मच, और दो छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये एक चाइनीज डिश है, आप इसे चाइनीज स्टार्टर या तो एज अ चाइनीज जंक फूड है ये। इसमें मैंने ऐड किया है अभी शेजवान चटनी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी रेड फूड कलर, ये टोमेटो रेड फूड कलर है, ये ऐड करना है आप इसे इसमें, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। आप इसका एक अच्छा सा बैटर बना लीजिए मिक्स कर पानी इसमें मिक्स करके, धीरे धीरे पानी आप इसमें ऐड करते जाना है। पहले मिक्सचर को अच्छी तरह से कंबाइन करना है हमें, उसके बाद हमें इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मिक्सचर रेडी करना है। उस मिक्सचर को आप ज़्यादा पतला मत रखिए, इस तरह गाढ़ा रखिए, क्योंकि हमें इसमें ब्रेड पर लगाना है, ब्रेड पर स्प्रेड करना है। ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो छूट सकता है तेल में। अभी इस तरह से कॉर्नफ्लावर दो चम्मच पानी में घोल लीजिए। ये कॉर्नफ्लावर हमें ब्रेड पर स्प्रेड करना है, ये लगाने से जो मिक्सचर है हमारा वो छूटेगा नहीं, ब्रेड से चिपका रहेगा। इस तरह से आप अच्छी कोनों कोनों में उस मिक्सचर को कॉर्नफ्लावर के लगा दीजिए। अब हमने जो इसका बैटर रेडी किया है ये आप इसके ऊपर स्प्रेड करिए। आपको थिक रखना है थोड़ा सा तो आप थिक रख सकते हो, या आपको जितना पतला रखना है तो आप कम मिक्सचर डाल सकते हो। ब्रेड के हर एक कोनों में ये मिक्सचर लग जाना चाहिए अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसा अच्छी तरह से आप इसे लगा दीजिए, जितने भी ब्रेड है उसमें लगा दीजिए सब आप पहले। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। अब ये वाइट तिल है, जो वाइट तिल होती है ना वो इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करना है वाइट तिल, और हर एक ब्रेड पर स्प्रेड करना है। व्हाइट तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत लगाइए, नहीं तो ये लगाने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है और शो भी अच्छा दिखता है ब्रेड के ऊपर। व्हाइट तिल लगाने के बाद आप इसे अपने उंगलियों से हाथों से अच्छी तरह से दबा दीजिए, जो मिक्सचर है उसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से इसे डैप करिए ताकि वो चिपक जाए। और फिर इसे हमें तीन हिस्से में कट करना है। इसे अभी कट कर लेंगे, अगर आपके पास चॉप कटर है पिज़्ज़ा कटर तो उसे कट करिए, या तो फिर छुरी से ही कट करिए इसे। इस तरह से तीन हिस्सों में हमें कट कर लेना है पूरे ब्रेड के टुकड़ों को। ये देखिए अभी फुल फ्लेम पर तेल गरम करिए कढ़ाई में, और एक एक करके ये ब्रेड के पीसेस आप इसमें ऐड करते जाइए। आप इसे फुल फ्लेम पर तलना है, और ध्यान रखिए ब्रेड जलना नहीं चाहिए। गोल्डन अगर हो गया है ब्रेड तो आप इसे पलट दीजिए, बस दो ही बार पलटना है, एक बार ब्रेड को गोल्डन करना है, फिर वो जो मिक्सचर है उसे पकाना है पलट के। ये देखिए मैंने पलट दिया है, ब्रेड इस तरह से गोल्डन होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। पहला बैच मैंने रेडी कर लिया था, अभी मैंने दूसरा बैच ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर ब्रेड का। ये देखिए शेजवान चटनी के साथ आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है।